पिछली वीडियो में बताया था कि अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है, अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी हीराबाद पे। तो आज हम चलते हैं हीराबाद, आपको भी दिखाते हैं हीराबाद की खुशादा सड़कें और बड़ी बड़ी और खूबसूरत सी इमारतें। उनमें से बहुत सी इमारतें अभी तक अच्छी हैं, मेंटेन हैं, ठीक है, लेकिन जितनी भी अभी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं हीराबाद। जब हीराबाद की तैमीर का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त हीरानंद म्युनिसिपल कमेटी के सदर थे। सिंध के मीर टालपुर हुक्मरानों के मकबरे, कलोड़ों का मकबरा, वो भी इस मोहल्ले में वाकई है। कदीम इमारतों के नाम हिंदुओं के नाम पर है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी रहा करती थी, जो बड़ी तादाद में तिजारत किया करते थे। हिंदुओं में आमिल आला दर्जे की जात मानी जाती थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, ये लोग आला ओहदों पर भी फायज थे। तो जितना अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे मैं गया हूँ हैदराबाद की, और जहाँ पर भी मैंने कदीम इमारतें देखी हैं तो उन पर हिंदुओं के नाम पर नाम की तख्तियाँ लगी होती हैं। लेकिन इसके अलावा हीराबाद के अलावा हैदराबाद की और दोस्त दूसरे इलाकों में, दूसरे एरिया में, दूसरे मोहल्लों में, जहाँ जहाँ भी कदीम इमारतें पाई जाती हैं, वहाँ पर हिंदुओं के नाम की तख्तियाँ लगी हुई हैं। पाकिस्तान बनने से पहले को हीराबाद की सड़कों को अरके गुलाब को पानी में मिलाकर धोया जाता था, और आम आदमी का हीराबाद में दाखिला ममनू था। अभी हीराबाद की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी इमारतें हैं, वो 1900 की दिहाई में ये स्ट्रक्चर ज़्यादा था, तो इसलिए 1900 दिहाई के हिसाब से अभी हीराबाद में जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं वो उस हिसाब से बनाई गई, गैलियाँ बनाई गई, कुशादा सड़कें बनाई गई, ताकि आमद रफ्त आराम से हो सके और हवा का गुजर भी आराम से हो सके और लोगों को परेशानी ना हो। खिड़कियाँ और दरवाजे बनाए गए हैं, घरों में गैलरियाँ भी हैं, हर घर की गैलरी लकड़ी से बनाई गई है, और घरों में तय खाने भी बनाए गए हैं। करती थी, पार्टीशन के बाद वो सारे चले गए यहाँ से, माइग्रेट होकर इंडिया, और अभी जो है इनकी कुछ जगहों पे कुरैशी रहा करते हैं, जैसे कि आप म्युनिसिपल कम्युनिटी का जो एक प्लेस है, म्युनिसिपल ऑफिस, कुरैशी म्युनिसिपल ऑफिस बहुत अच्छी बनी हुई है, अभी तक उनको मेंटेन किया हुआ है। वो पहले आमिल की हुआ करती थी, इनका महल हुआ करता था, और इसके अलावा कुछ ऐसी जगह है, टावर मार्केट से पहले एक जगह है, किशन राम की एक जगह है, वहाँ पर मलिक रहते हैं, किसी जगहों पे पठान रहते हैं, किसी जगहों पे कुरैशी रहते हैं। तो कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि रहने के काबिल हैं, उनको घर बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कि अभी भी यूज़ में हैं, और कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है आज के डिज़ाइन के मुताबिक, आज के आर्किटेक्चर के मुताबिक।